हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम बहुपद है। इस चैप्टर में हम बहुत सारे बेसिक्स पहले डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी हेल्प हमें पूरे चैप्टर में मिलने वाली है। और चैप्टर 1 की वीडियोस हमने सारी डिटेल वाइज बना दी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, वहाँ से जाके चैप्टर 1 को भी आप पूरा देख सकते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे चैप्टर 2 में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है चर राशियाँ और अचर राशियाँ। ये दो तरीके की राशियाँ होती हैं जिनका यूज़ हम पूरे चैप्टर में, जिनकी हेल्प से हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चर राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं रहता या बदलता रहता है, मतलब एक फिक्स मान नहीं रहता। जैसे आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, क्लास 8th में कहीं आपने एक्स का मान आपका 10 आया होगा, कहीं एक्स बराबर, आपने कभी जब क्लास 8th में पढ़ रहे होंगे तो एक्स का मान कभी आपका 10 आ गया होगा, कभी एक्स का मान आपका -2 आया होगा, कभी कुछ आ जाता है एक्स का मान कभी 20 आ जाता है। जैसे राम की आयु माना, राम की आयु एक्स बराबर 10 वर्ष। फिर दूसरे किसी क्वेश्चन में माना कि फलों का मूल्य एक्स बराबर 20, तो x का मान हर बार बदलता रहता है, या y का या z का, इनके मान क्या होते हैं, किसी क्वेश्चन के लिए अलग रहते हैं, किसी क्वेश्चन के लिए अलग रहते हैं, तो फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब निश्चित नहीं रहता, इनका मान हमेशा बदलता रहता है, तो ऐसी राशियों को कहा जाता है चर। इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल, वेरिएबल्स बोला जाता है। वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते हैं, जो बदलते रहते हैं, तो जिनका मान बदलता रहता है उनको कहा जाता है क्या, चर राशियां। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के आपको ना ये चीजें हेल्प करेंगी। ठीक, अचर राशि किसे होती है, देखा अभी अंतर समझेंगे आप। अचर राशि जैसे जिनका मान निश्चित रहता है, मतलब कभी नहीं बदलता। जैसे आपने जब आप स्टार्टिंग में गिनती सीख रहे थे तो आपको बताया गया था कि भाई 2 ऐसे लिखा जाता है, ये 2 होता है, और आज जब आप 9th क्लास में आ गए फिर भी ये 2 वही 2 है। ऐसा तो नहीं है कि अब 2 का मान कुछ और हो गया, 2 की वैल्यू कुछ और ही, वही तो 2 है। आपने जब गिनती सीखी थी 9 के बाद जो 10 आया था वो उस समय भी वही 10 था और आज भी यही 10 है। तो ये ऐसे वैल्यूज हैं, जो नंबर हैं जो पहले शुरुआत में हमें पढ़ाए गए थे, आज भी वही नंबर वही है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 100 जो हमने पढ़ा था आज भी वही 100 यहाँ है, √2 -12, ये वही नंबर हैं जो पहले भी हमें जो पढ़ाए गए थे। जैसे 8th में हमने मान लिया 8th में कहीं हमने 5.7 लिखा था, आज भी ये वही 5.7 है, इसका मान कुछ बड़ा और घटा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है चर राशियां मतलब जिनके मान हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहते हैं, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। और अचर, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यूज, मतलब जो फिक्स रहती हैं, कोई जो कभी नहीं बदलती। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, या आप नॉर्मली ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो वो ABCD वाले, या इसे इसको स्मॉल ABC भी बोलते हैं, स्मॉल ABC उनका भी यूज़ करते हैं। फिलहाल XYZ हमारा क्वेश्चन में बुक में ज़्यादा यूज़ है, तो लिख रहे हम XYZ जो बदलते नहीं हैं, और अचर कौन से होंगे जो फिक्स रहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किनको चर बोलेंगे। चर का मतलब है जिनका मान बदलता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, x बराबर 10 हो सकता है, x बराबर 20 हो सकता है, या y या z, और फिक्स कौन रहते हैं ये। ठीक है, इसके बाद आता है पद, जिसे इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं, टर्म बोल लो। तो टर्म क्या होती है या पद क्या होते हैं, चर तथा अचर मिलके, मतलब आपका अचर और चर आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। बहुत सिंपल है, तो देखो 2 और x मिलके क्या बना दिया, एक पद बना दिया। 10 और x मिलके, 10 और z ने मिलके, ठीक ऐसे 100 और xy आपस में और भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। देखो 10 के साथ x की मल्टीप्लाई होगी, 100 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 6/7 के साथ, अब जरूरी नहीं है x ही होगा, जरूरी नहीं है x भी हो सकता है, यहाँ पर x से बनना वाला x² भी हो सकता है, x से बनने वाला x^20 भी हो सकता है, y^13 भी हो सकती है, तो इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं, z^10 भी हो सकता है।
ये जरूरी है एक्स ही होगा, एक्स से और भी कुछ भी बन सकता है। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जो पद हम पढ़ा रहे हैं पद कैसे बनेगा, चर तथा अचर मिलकर। तो देखो चर और ये सॉरी ये हमारा चर और ये अचर आपस में मिलके, ये हमारा चर अचर, चर अचर, ये हमारे चर ये अचर मिलके, तो इस तरीके से मिलके। अच्छा जरूरी नहीं है हर बार दोनों मिले ही, ऐसा भी हो सकता है कि अकेले हमारा अकेले अचर अचर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है अकेले हमारा चर आ जाए, वाई का वैल्यू आ जाए, एक्स वो नंबर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, बहुत सारे बन सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही बने। वाई की पावर जेड की पावर, आप ये मान करो जेड की पावर आप 20 लिख सकते हो, तो बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई में तीनों बन गए। आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर वाई, आप लिख सकते हो 5x वाई जेड स्क्वायर, इस तरीके से बहुत सारे लिख सकते हैं पद। तो पद कैसे बनते हैं, पद बनते हैं हमारे दोनों की मदद से, या अकेला भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन पदों को इकट्ठा करके बनता है बहुपद, जिसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद, बहुपद क्या है, एक या अधिक पदों से बहुपद बनते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जिससे ज़्यादा टेंशन, क्योंकि हमें डेफिनेशन को बस समझना है। ठीक, तो एक या एक से अधिक पदों से बहुपद बनते हैं। तो देखो मैंने बना लिया 2x प्लस 2, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला। कहने का मतलब यह है कि आप एक से इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, जैसे 2x प्लस 2 बना लिया, एक या एक से अधिक पद, जैसे 10z प्लस, मतलब आपने एक ये पद है, एक ये अकेला पद भी है, आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे यहां से मैंने ले लिया 2x और यहां ले लिया 10z, बहुत सारे बना सकता हूं। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि भाई 3x स्क्वायर प्लस 10x, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, जरूरी है दो ही लो, इसके साथ प्लस 3 भी ले सकता हूं, तीन भी हो सकते हैं। बहुपद का मतलब है बहुत सारे पदों को इकट्ठा करना। तो देखो हमने क्या करा, बहुपद का मतलब है पदों को इकट्ठा करके, जरूरी नहीं प्लस में हो, जरूरी नहीं है कि प्लस में हो, ये माइनस में भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लस में हो। लेकिन क्या कहा मैंने, बहुपद जो होगा वो एक से ज़्यादा पदों को इकट्ठा करके बनता है। ठीक, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें बहुपद में पढ़नी है, इसके लिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। क्या बहुपद में जो भी एक्स वाई जेड, ये जो चर यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई जेड या एक्स की पावर में कुछ भी, मतलब कहने का मतलब है जो भी ये इंग्लिश वाले लेटर यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई एक्स वाई 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 एक्स एक्स जेड एक्स, तो हमेशा इनकी जो पावर है, ये जैसे x की पावर 2 लिख दी, x की पावर 2 या 12 लिख देता हूँ मैं जैसे इसे, तो ये जो पावर है हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब ये पावर हमेशा प्लस के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही आ सकता, ना तो दशमलव में आनी चाहिए, ना बट्टे में पावर आनी चाहिए, ना माइनस में, इसलिए मैंने बोला पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक। तो क्या कहा मैंने बहुपद में, एक और चीज, ऐसा ना लिख देना आप लोग कि भाई 5x की पावर माइनस 2 प्लस 3, ये बहुपद नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि x की पावर माइनस में आ गई। ऐसा भी नहीं लिख सकते कि 3x की पावर 1/2, ये भी नहीं है। या ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 7x की पावर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं है। मैंने कहा x, y, z की जो पावर होगी वो हमेशा कैसी होगी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें, तभी बहुपद में आप चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले, क्यों, क्योंकि बहुपद को पढ़ने का तरीका होता है। तो दो तरीकों से बहुपद समझा जाता है कि भाई, एक तो पदों की संख्या देख के कि भाई कितने पद जुड़ रहे हैं, 2 पद जुड़ रहे हैं, 3 पद जुड़ रहे हैं, या कोई अकेला ही लिखा है, ये भी एक ही पद है, 2 पद हैं, 3 पद हैं, तो पदों की गिनती से भी देखते हैं, या
एक्स की पावरों से भी गिना जाता है, वो अभी हम आगे बताते हैं। तो चलिए पढ़ते तो देखेंगे बहुपद का जो वर्गीकरण है वो दो तरीकों से वर्गीकरण होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था अभी कि वर्गीकरण में हम एक तरीका तो होगा पदों की गिनती के आधार पे कि जैसे कितने पद हैं, एक पद हैं, दो पद हैं, तीन पद हैं, एक होगा गिनती के आधार पे और एक होगा चर की घात के आधार पर कि मतलब जो यहाँ चर यूज हो रहा है एक्स हो रहा है या वाई यूज हो रहा है तो इनकी पावर क्या है। घात का मतलब है इनके ऊपर नंबर कितना है, पावर क्या है। तो उस तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं कि ये ऐसा बहुपद है, ये ऐसा बहुपद है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला नंबर क्या है हमारा, पदों की गिनती के आधार पे। तो एक पद बहुपद मतलब एक पदी का मतलब नाम से ही सुन रहे हो, एक पद वाले, दो पद वाले, तीन पद वाले। तो एक पद वाले का मतलब है देखें आप केवल एक पद है, यहाँ भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक, ये भी एक, इकलौता है, इसके साथ कोई भी चीज़ जुड़ी नहीं है, ये अपने में अलग इकलौता है, ये इकलौता है, ये भी इकलौता है, ये भी इकलौता है। पद कितनी है गिनती करें, इसकी तुलना में देखो यहाँ दो चीज़ जुड़े हुए हैं या घट रहे हैं दो चीज़, यहाँ केवल इकलौता है। तो जहाँ इकलौता गिनती ऐसे करते हैं इसके साथ कोई जुड़ा तो नहीं है, गुणा हो रही हो उससे कोई मतलब नहीं है, जुड़ना और घटना नहीं होना चाहिए। तो केवल इकलौता इकलौता होते हैं, अकेले अकेले हैं तो इसे एक पद बोलेंगे गिनती के आधार पर कि कितने हैं, एक एक हैं। तो ऐसे बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहा जाता है, केवल हम गिनते हैं, टुकड़े गिन रहे हैं, इसमें कितने टुकड़े हैं, एक दो, तो इसे दो बहुपद बोला, इसमें अकेला ही एक टुकड़ा है। गुणा में नहीं बोल रहा हूं मैं जोड़ या घटा में बोल रहा हूं, यहां दो टुकड़े जुड़ रहे हैं, यहां ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ ये दोनों हैं दो, दो पदी, ये भी दो पदी, ये भी दो पद, एक दो, ये प्लस से प्लस या माइनस से चीजें बदलेंगी। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। पद आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कि क्या पद चर और अचर से मिलकर पद बनता है। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो दो पद का इकट्ठा होना द्विपद कहलाता है। अभी हम गिनती से बता रहे हैं। इसी तरीके से तीन पद का मतलब त्रिपद, मतलब तीन पद जुड़े हैं, एक पद, दो पद, तीन पद जुड़ रहे हैं, या एक पद, दो पद, तीन पद। आप ये देखो एक पद, दो पद, तीन पद। तो इस तरीके से पदों की गिनती के आधार पर हम बता रहे हैं कि ये एक पदी है, दो पदी है या तीन पदी है। ये 2.1 में जब हम करेंगे वहाँ पर हमसे पूछेगा, इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बेसिक है, क्यों, क्योंकि क्लास 10th में हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत जानना जरूरी है और यहाँ भी पूछा गया है रैखिक बहुपद। अब सेकंड नंबर का जो हम पढ़ रहे हैं देखो चर की घात, चर किसे बोलते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड जो भी हमारे उसकी पावर कितनी है, पावर का मतलब है ये ऊपर ये काउंटिंग जो लिखी हुई, मैंने बताया था अभी कि बहुपद में जो एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर जो पावर लिखी जाती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, ना तो दशमलव में, ना बट्टे में, ना माइनस में, केवल नॉर्मल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने जो पूर्ण संख्या पढ़ी है, होल नंबर जिन्हें कहते हैं। तो देखो वैसे तो सभी के ऊपर नंबर हमें पूरे पूरे ही दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, पर रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, क्योंकि अब हम घात के आधार पे कर रहे हैं। तो देखो जहाँ भी एक्स वाई जेड हैं इसमें सबके ऊपर पावर, देखो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसकी पावर 1 कहलाती है। तो देखो एक्स की पावर 1 है तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। मैं गिनती नहीं, गिनती में चाहिए दो हों, हम गिनती के आधार पर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, गिनती के आधार पर करते हैं तो ये द्विपद ही हो जाएगा। द्विपद तो है लेकिन ये घात के आधार पे कैसा है, घात के आधार पे पावर, पावर इसकी घात इसकी एक है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसे एक बोलते हैं। तो घात जितने भी यहाँ एक्स यूज हो रहे हैं उसमें सबसे अधिकतम पावर को, तो एक्स एक ही यूज हो रहा तो इसकी पावर 1 है तो इसे रैखिक रखा, वाई की पावर 1 है इसे रैखिक बहुपद बोला, जेड या एक्स, देखो जेड या एक्स दोनों यूज हो रहे हैं, दोनों की पावर 1 है तो इसे रैखिक बोला, एक्स और वाई यूज हो रहे हैं दोनों की पावर 1 है तो रैखिक बोला, एक्स वाई दोनों की पावर 1 है तो रैखिक बोला,
पावर बोला मैंने किसकी, एक्स या वाई की। अब मैं यहाँ पर अंडर रूट 7 लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंडर रूट वाई नहीं लिख सकता, क्योंकि हमें पता है बहुपद में किसी भी चर की जो पावर है वो हमेशा 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर होती है। वाई की पावर में ना तो माइनस, ना बटे में, ना दशमलव में, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा, पूरा पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ एक था इसलिए हमने रेखिक रखा। तो रेखिक का मतलब है जिनकी पावर एक हो, जिन चर की पावर एक हो वो रेखिक बहुपद के अंदर आते हैं, चाहे गिनती में वो कितने हो, हम तो पावर देख रहे हैं। ठीक। दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, दो घात वाले। तो देखो x की घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात में आ गया। यहाँ पे ये, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। मैंने कहा जो भी चर यूज हो रहा है, जो भी x, y, z उसमें यूज हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी पावर को घात बोला जाता है। तो यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर दो है, तो बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। गिनती के आधार पे नहीं रख रहे, पावर के आधार पे रख रहे हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x, और यहाँ x नहीं था। तो हम बोलते हैं सबसे बड़ी पावर x की, यहाँ पावर एक है, जब लिखा नहीं होता तो एक होता है, यहाँ पावर 2 है। तो 2 पावर का मतलब द्विघात, मैंने बताया था द्विघात का मतलब 2 पावर वाले, रेखिक का मतलब एक पावर वाले, यहाँ 2 घात वाले द्विघात। ठीक। और ये मैंने छांटे कहाँ से, यहीं से छांटे। देखो इन सब में रेखिक कौन सा था, एक पावर वाला, ये था और ये था। देखो वही लिखे मैंने अपनी तरफ से, मैं तो इनसे छांट के लिख दिए, एक पावर थी तो रेखिक पे आ गया। देखो एक पावर थी, रेखिक पे आ गया। अच्छा ये क्या है, देखो कितनी पावर है, 2 पावर है, अधिकतम पावर 2 है, तो बहुपद कहाँ पर आ गया, द्विघात पे आ गया। ऐसी कितनी पावर है वाई की, 3, तो कहाँ जाएगा, त्रिघात पे जाएगा। कितनी पावर है, 2 पावर है, यहाँ एक पावर है, तो अधिकतम पूरी पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 2, तो कहाँ आएगा, देखो ये आ गया सबसे नीचे, ये एक पावर, एक पावर, तो कहाँ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। तो इन्हीं में से छांट के लिख दिया, क्योंकि हमें तो बस इकट्ठा करने थे, ये थे हमारे किसके आधार पे, गिनती के आधार पे, और ये थे हमारे पावर के आधार पे। 3 घात वालों को त्रिघात बोला जाता है। बना भी सकते हैं हम तो बना भी सकते हैं, 3x की पावर 3 + 4 ऐसा भी बोल सकते हो। गिन टुकड़ों से मतलब नहीं है, x की पावर से मतलब है। ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 3 - 5/4x² + 2x + 7। देखो कितने सारे इकट्ठा कर लिए, लेकिन हमें टुकड़ों से मतलब नहीं है, हमें तो यूज होने वाला, इसमें उपयोग होने वाला जो x या y, जो भी यूज हो रहा है, यहाँ x हो रहा, उसकी सबसे ज्यादा पावर देखनी है, 3, तो 3 घात का बहुपद है। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान लिख लेते हैं, सर इसमें तो कोई x नहीं है, भाई ये तो केवल नंबर लिखा हुआ ना, इसमें इसके पीछे तो x लिखा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे बहुपद को अगर घात के आधार पे देखते हैं, जब कुछ नहीं लिखा होता, तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं अचर बहुपद। ऐसे बहुपद को क्या बोला जाएगा, अचर बहुपद, कांस्टेंट हमारा पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। तो कौन से होते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद होते हैं जैसे माइनस, नंबर उठा लो -3, 10, 5/4, ये सारे हमारे अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है, चर तो है ही नहीं, केवल अचर अचर मौजूद है, तो इन्हें अचर बहुपद बोला जाता है। ठीक। और एक और चीज जो आप पूछी जाती है, मैं सोचा साथ साथ आपको बता ही दूं, जिससे हमारा बेसिक ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम 2.1 स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो एक और चीज जो मैं बता रहा था, एक होता है गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो आप देख रहे होंगे ये एक्स के आगे क्या लिखा हुआ, 2, तो मैं बोलूंगा x का ये जो गुणांक होगा वो आगे, मतलब नंबर देखना है, x के आगे का नंबर देखना है। तो x के आगे कितना नंबर लिखा हुआ, 2, तो x का गुणांक कौन क्या हो गया, 2। y के आगे कितना नंबर लिखा हुआ, चिन्ह सहित, -5, तो y का गुणांक हो गया -5। जैसे अभी सवाल आएगा कि दी ये इस बहुपद में x का गुणांक बताओ, x के आगे देखेंगे, जिसका गुणांक पूछेगा उसके आगे का नंबर देखेंगे चिन्ह सहित,
तो x के आगे नंबर क्या है, प्लस 3, तो x का जो गुणांक हो गया, गुणांक का मतलब गुणा वाला अंक, तो x के साथ गुणा वाला अंक कौन है, प्लस 3, तो x का गुणांक प्लस 3 और x स्क्वायर का प्लस के 7। ठीक, यही इसी वाले में पूछ लूं कि x का गुणांक क्या है, तो पूरे में देखेंगे x है कहां, x ये रहा, इसके आगे नंबर लिखा हुआ प्लस 2, x स्क्वायर का गुणांक कहां है, तो नंबर है -5/4, x क्यूब का, तो देखो x क्यूब के आगे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है, तो x क्यूब का गुणांक 1 हो गया। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि गुणांक का मतलब है जिसके भी का भी गुणांक पूछेगा उसके आगे वाला गुणा वाला अंक, चिन्ह सहित चिन्ह भी लेना है, मतलब जो चिन्ह है प्लस का है माइनस का है वो भी लेना है। जैसे y की पावर 3 का गुणांक क्या हुआ, 5। ठीक, x की पावर 3 का गुणांक क्या हुआ, 3। तो इस तरीके से गुणांक भी देखने हैं, और ये आपका बेसिक है बहुपद का। तो आई होप ये सारा बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक करना क्यों भूल रहे हैं, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक के साथ साथ ना तो ज़्यादा लाइक आ रहे हैं ना ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन इस तरीके से प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो 2.1 होने वाली है वो डेली ऐसी 1-to-1 अपलोड होती जाएगी और आप इंजॉय करते जाएंगे वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.1 के साथ। ओके, बाय।